आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीएचपी एंड MySQL, प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड MySQL इज ए RDBMS बेस्ड कॉन्सेप्ट। इन्हीं पर्टिकुलर दोनों बैक एंड और फ्रंट एंड के कॉम्बिनेशन को हमको स्टडी करना है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली PHP है क्या और PHP का क्या यूजेस है। नाउअडेज वेब डेवलपमेंट के फील्ड में PHP का आप क्या यूज करते हो और PHP के थ्रू आप वेब एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट, वाई PHP एंड MySQL। फर्स्टली, PHP द मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट नाउअडेज। आजकल वेब डेवलपमेंट के लिए PHP का यूज काफी किया जा रहा है। इट इज फ्री, ओपन सोर्स एंड सर्वर साइड। दैट मींस PHP के केस में PHP की स्क्रिप्टिंग, PHP की डिजाइनिंग फ्री है, ओपन सोर्स है और सर्वर साइड के लिए की जाती है। दैट मींस डायरेक्टली सर्वर के थ्रू इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है, डायरेक्टली सर्वर में बिल्ड होता है। MySQL इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऑल फीचर्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री और ओपन सोर्स है, डायरेक्टली आप अपने एप्लीकेशन में एनीवेयर कहीं भी PHP के कोड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस, PHP MySQL डाटाबेस। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का कलेक्शन डाटाबेस है। विद PHP यू कैन कनेक्ट टू एनी, कनेक्ट एंड मैनिपुलेट डाटाबेसेस। कई डाटाबेसेस को कनेक्ट और मैनिपुलेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो यूजिंग विद PHP MySQL फीचर। व्हाट इज MySQL? सबसे पहले इसको समझिए। MySQL इज ए डाटाबेस सिस्टम यूज्ड फॉर द वेब एप्लीकेशंस। MySQL इज ए डाटा सिस्टम दैट रन्स ऑन द सर्वर ओनली। MySQL इज द आइडिया फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस। MySQL इज वेरी फास्ट, रिलायबल एंड इजी टू यूज। पूरी की पूरी वर्किंग वेरी इजी है, देखने से ही समझ में आ रही, पूरे कॉन्सेप्ट आप देखते ही समझ पा रहे हो। MySQL यूज स्टैंडर्ड SQL फंक्शंस का यूज करता है। कंपाइल्स ऑन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म में, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप कंपाइल कर सकते हो। फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, कहीं भी इजी वे में आप इसको डाउनलोड करिए और यूज करिए। डेवलप, डिस्ट्रीब्यूटेड और सपोर्टेड ऑरेकल कॉर्पोरेशन का एक फेथ मिलता है, विश्वास मिलता है आपको। देन डाटा इन MySQL डाटाबेस आर स्टोर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल्स। देन MySQL के केस में डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर है, जो भी डाटा आप प्रोटेक्ट करके स्टोर करके रखते हो, टेबल्स के फॉर्मेट में, दैट मीन्स रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होकर रखा जाता है। तो ये यूज है MySQL का। नेक्स्ट देखते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। कई बार आप लोगों ने सुना है PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये होता क्या है गाइस? तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज इन वेब डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व इम्प्लाइंग स्क्रिप्टेस ऑन स्क्रिप्ट ऑन वेब सर्वर विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स कस्टमाइज टू ईच यूजर रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट। दैट मीन्स ऐसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा वेब डेवलपमेंट का टूल है, वेब डेवलपमेंट की ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो स्पेशली वेब पेज बनाए जाते हैं उस सर्वर को रन होते हैं और क्लाइंट उसके थ्रू डाटा को एक्सेस कर सकता है। द अल्टरनेटिव इज फॉर द वेब सर्वर स्क्रिप्ट कैन बी रिटन इन ओनली नंबर ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके ही सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वेयर एम्बेडेड स्क्रिप्ट सच एज जावास्क्रिप्ट आर रन क्लाइंट साइड इन वेब ब्राउजर बट बोथ टेक्निक्स आर ऑफन यूज टूगेदर। नाउअडेज देखा है PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट उसी के करस्पॉन्डिंग जावा स्क्रिप्ट वगैरह है, इनको आप क्लाइंट साइड में रन करते हो। बट नाउअडेज इन दोनों टेक्निक्स का एक साथ यूज किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को आप क्लाइंट साइड में यूज करोगे और PHP को आप सर्वर साइड में यूज करेंगे।
नेक्स्ट आते हैं गाइस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का ओवरऑल ये टेक्निक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पीएचपी 5 वेरिएबल, पीएचपी 5 पीएचपी का वर्जन है। इस पर्टिकुलर पीएचपी 5 में कोई भी आप पीएचपी का वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे, ये समझाया गया, ध्यान से देखेंगे। इन पीएचपी ए वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर, कोई भी वेरिएबल डॉलर साइन के साथ में ही बिल्ट होगा, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल के नेम को फॉलो करता है, वेरिएबल का नोमेनक्लेचर का जो भी रूल है उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है। पीएचपी वेरिएबल के साथ में किसी प्रकार का कोई भी डाटा टाइप असाइन नहीं होता है, जो भी वैल्यू आप पीएचपी वेरिएबल को देते हो आपका वो पीएचपी वेरिएबल उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पीएचपी टैग में पीएचपी टैग ओपन किया, आफ्टर दिस टीएक्सटी नेम का एक वेरिएबल जिसमें आपने हेलो वर्ड स्टोर किया, एक्स नेम का एक वेरिएबल जिसमें 5 और वाई नेम का एक वेरिएबल जिसमें आपने 10.5 दैट मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर की। देखिए यहाँ पे रूल्स ऑफ पीएचपी वेरिएबल्स, पीएचपी वेरिएबल्स का रूल है, नॉर्मली जो भी वेरिएबल आप यूज करते हो उन्हीं को यूज करने का यहाँ पे तरीका दिया गया है, पूरा प्रोसीजर है, आप वेरिएबल के नेम को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट होना चाहिए, ये पूरे के पूरे रूल्स हैं, एज इट इज जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं वैसे ही पीएचपी के केस में भी यही फॉर्मेट फॉलो। पहला स्टार्ट ऑलवेज डॉलर से होगा, स्टार्ट विथ ऑलवेज लेटर, स्टार्ट विथ लेटर ऑलवेज, अंडरस्कोर भी यूज हो सकता है, टेन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, क्लियर है, टेन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अंडर स्कोर ए टू जेड 0 to 9 एंड सो ऑन, टेन वेरिएबल्स नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, दैट मींस डॉलर एज स्मॉल में एंड डॉलर एज कैपिटल में दोनों डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं गाइस रन ए पीएचपी प्रोग्रामिंग सर्वर, पीएचपी के प्रोग्राम को आप सर्वर पे रन कैसे करें। पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर प्रोड्यूसिंग डायनेमिक वेब पेजेस, पीएचपी वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय रेसमस टर्डोर 1995 में, फुल फॉर्म है पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। देन नाउअडेज पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअल मशीन में किसी एक सर्वर को इंस्टॉल करना कंपलसरी, कोई भी सर्वर हो सकता है, वैम्प, जैम्प, लैम्प, अपाचे, किसी भी एक पर्टिकुलर सर्वर को आप सबसे पहले अपनी मशीन में इंस्टॉल करिए प्रॉपरली, देन आपकी मशीन अब एज ए सर्वर बिहेव करेगी, देन सर्वर का यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर पीएचपी एप्लीकेशन को अपनी मशीन में इजी वे में रन कर सकते हैं। नेक्स्ट पीएचपी स्क्रिप्ट रन करने का तरीका, अगर जैम्प यूज कर रहे हैं तो उस केस में जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद पीएचपी फाइल को सी के अंदर, जैम्प के अंदर, एचटी डॉक्स के अंदर स्टोर करें, पीएचपी में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन या सेकेंडरी नेम डॉट पीएचपी ही होगा। नेक्स्ट है गाइस पीएचपी फाइल को स्टोर करने के बाद लोकल होस्ट पे जाइए वेब ब्राउजर पे, और उस पर्टिकुलर लोकल होस्ट पे जाने के बाद आपको पीएचपी फाइल का नेम डॉट पीएचपी टाइप करना है, ये टाइप करते ही ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर से आपकी वो पर्टिकुलर फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी यूजिंग विद सर्वर। नेक्स्ट आते हैं, ये पूरे के पूरे फॉर्मेट दिए गए हैं पीएचपी की फाइल बनाने को, पीएचपी फाइल को सेव करने को लेकर। नेक्स्ट टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है, सिंपली आप देख सकते हो टू नंबर्स को ऐड करने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया गया है, ऑपरेटर का कमेंट बना हुआ है ऑपरेटर सिंबल में, देन टू पर्टिकुलर नंबर्स को ऐड करने का वेरिएबल वन वेरिएबल टू टू वैल्यूज है, सब नेम के कॉन्सेप्ट में इसको सब नेम के वेरिएबल में इन दोनों का टोटल किया गया है, देन इनको सम का टोटल, दोनों का पर्टिकुलर रिजल्ट ये सम नेम के वेरिएबल में स्टोर होगा। नेक्स्ट आते हैं गाइस डिक्लेयरिंग वेरिएबल, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स को अलग अलग फॉर्मेट में आपने डिक्लेयर किया है,
अब पीएचपी के केस में वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए आउटपुट देखने के लिए आप इको का यूज करते हैं। इको स्टेटमेंट है, फंक्शन है, प्रोग्राम है। इको एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूज करके आप किसी भी पीएचपी वेरिएबल की वैल्यू को या मैसेज को अपने स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, सबसे पहले टीएक्सटी नेम का वेरिएबल जिसमें हेलो वर्ड था, देन इको टीएक्सटी, देन इसके बाद जस्ट बाद इको बीआर। बीआर क्या करेगा? ब्रेक रो, दैट मींस हेलो वर्ड के बाद एक लाइन टूटेगा। देन इको एक्स, इको एक्स दैट मींस एक्स की वैल्यू यहां पे 5 प्रिंट होगी। 5 प्रिंट होने के बाद अगेन यहां पे बीआर टैग, बीआर टैग फिर से रोकेगा। Then, इसके बाद इको वाई, दैट मीन्स वाई की वैल्यू यानी 10.5 आपको प्रिंट करेगा। तो इको कमांड, इको फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, आपके आउटपुट को, आपके वेरिएबल की वैल्यू को अथवा मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करने के काम आता है आपका इको कमांड। नेक्स्ट है, सिंपल से प्रोग्राम है, आउटपुट वेरिएबल से दो वेरिएबल्स को यूज किया है और उन्हीं पर्टिकुलर वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट लिया गया है। सिंपल सा प्रोग्राम है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, पीएचपी वेरिएबल्स का स्कोप यानी वर्क एरिया, किस किस पर्टिकुलर फील्ड में कहाँ कहाँ पे आपके पीएचपी के वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे और कैसे यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल जिसको आप लोकल वेरिएबल बोलते हो, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल जिसको इनसाइड द प्रोग्राम या आउटसाइड द प्रोग्राम कहीं भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, जिनको भी आप ग्लोबल वेरिएबल जैसा ही कहीं भी यूज कर सकते हो। यूज करने का तरीका, नॉर्मली आप नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाओगे, लोकल वेरिएबल कैसे बनाओगे और ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाओगे, दोनों की वर्किंग, दोनों का स्कोप आप कैसे डिसाइड करोगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे देखिए एक ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है, पीएचपी टैग को ओपन करते ही जो वेरिएबल बना वो पर्टिकुलर वेरिएबल आपका क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। देन किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनेगा उसको आप लोकल वेरिएबल का नाम देते, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने माई टेस्ट नेम का एक फंक्शन बनाया हुआ और उस फंक्शन के अंदर आपने डॉलर एक्स को असाइन किया गया, तो ये पर्टिकुलर डॉलर एक्स क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, दैट मींस ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर असाइन किया गया है। देन डायरेक्टली पीएचपी टैग के अंदर, पीएचपी टैग हर जैसे ही आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं पीएचपी पे कितने प्रकार की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, कितने प्रकार के डाटा टाइप आपके पीएचपी में मान्य है, कितने प्रकार के वैल्यूज आप पीएचपी के वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग वैल्यूज दैट मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर वैल्यूज यानी कंप्लीट नंबर वैल्यूज, फ्लोटिंग वैल्यूज जिनको आप डबल वैल्यूज भी बोलते हो यानी दशमलव के साथ संख्या, बूलियन यस या नो का फॉर्मेट, एरे दैट मींस लिस्ट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, ऑब्जेक्ट देन नल, ये दोनों नए कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम आगे इंट्रोड्यूस करें। पीएचपी के स्ट्रिंग वेरिएबल, सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल्स को आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल डॉलर एक्स में हेलो वर्ड, डॉलर वाई में भी हेलो वर्ड, इन दोनों को इंडिविजुअली प्रिंट ले लो, चाहो तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल्स सिंपल लेंथ दी गई है, इस पर्टिकुलर रेंज के बिटवीन वैल्यूज होती है, सिंपल इसके रूल्स दिए गए हैं, मिनिमम वन डिजिट, मैक्सिमम जितनी विड्थ है उतनी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये सिंपल से फॉर्मेट है आपके इंटीजर वैल्यूज। ये इंटीजर वैल्यूज का एक सिंपल सा एग्जांपल, जंप डॉलर एक्स फंक्शन रिटर्न्स द डाटा टाइप एंड द वैल्यू, ये पर्टिकुलर फंक्शन वेरिएबल डंप आपके वैल्यू के साथ में ही आपके वेरिएबल के डाटा टाइप को भी असाइन करता है, वेरिएबल के डाटा टाइप को भी रिटर्न करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोट वैल्यूज, ये भी वेरिएबल डंप यहाँ पे आपको फ्लोट रिटर्न कर, देन बूलियन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, कंडीशन ट्रू होने पर ये बूलियन वेरिएबल ट्रू और फॉल्स होने पर ये बूलियन वेरिएबल आपको फॉल्स रिटर्न करता है। एरे मल्टीपल वैल्यूज का लिस्ट आपने ले लिया, देन पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट,
ब्रांचिंग या कंडीशनल। सो गाइस यहां तक हमने देखा बेसिक पीएचपी, बेसिक पीएचपी के पूरे कॉन्सेप्ट, पीएचपी का डिक्लेरेशन कैसे होता है, पीएचपी प्रोग्राम रन कैसे होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, पीएचपी के प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या है, और बेसिकली पीएचपी के प्रोग्राम को आप कैसे लिख सकते हैं। क्या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी की ब्रांचिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। तो गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।